Hey फूड के दिलवाले, तो कैसे हैं आप सब। तो आज बनाते हैं कैरेट कैश्यू खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कुकर में 1.5 कप कैरेट पीसेस डालेंगे और उसके बाद 1 कप कैश्यू नट्स डालेंगे और हम उसमें 1 ग्लास वाटर डालेंगे जिससे कि कैरेट और कैश्यू नट्स बॉयल हो जाए। फिर हम उसका ढक्कन लगाएंगे और 4 विजल्स आने तक वेट करेंगे। फिर हम एक हांडे में 1/2 लीटर मिल्क को बॉयल करेंगे। अगर आपको लगता है मिल्क ज़्यादा ही गाढ़ा है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम एक ग्राइंडर लेंगे और उसमें बॉयल की हुई कैरेट्स और कैश्यू नट्स डालेंगे। बाद में हम उसमें 1 कप शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और फिर उसे हम बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं कि दूध गर्म हो रहा है। तो देखिए, हमने कैरेट का पेस्ट बना लिया था। बहुत ही स्मूथ होना चाहिए पेस्ट। फिर हम उस पेस्ट को दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे ताकि उसमें लम्प्स ना रहे। तो देखिए, हमारी खीर बॉयल हो रही है। तो देखिए, उसकी थिकनेस उतनी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा थिन। फिर हम एक छोटे से कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। फिर हम उसमें कैश्यू नट्स डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे हमारी किशमिश, उसे भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसे ज़्यादा ब्राउन ना करे, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम इसे हमारे खीर में डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए, हमारे गरम गरम खीर रेडी हो गई है। उसे गरम ही सर्व कर ले, ठंडा हो जाए तो ज़्यादा स्वाद नहीं रहेगा। तो ये देखिए, हमारी यमी यमी खीर रेडी हो चुकी है और गार्निशिंग में मैंने इसके ऊपर बादाम डाला हुआ है जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। देखिए कितनी यमी यमी लग रही है। इजी प्रोसेस, तो आप भी ट्राई कीजिए घर घर पर। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे फर्दर नोटिफिकेशन सबको आ सके।